नमस्कार दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने कुछ टोकन और कॉइन का आने वाले टाइम में क्या प्राइस रह सकता है उसके बारे में बात की थी और मार्केट ने ठीक वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई प्राइस की ये मूवमेंट रह सकती है। और हमने कुछ ट्रेड भी आप लोगों को दी थी कि आप लोग किन को स्पॉट में बाय कर सकते हैं, कहाँ फ्यूचर्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को फॉलो किया होगा और उस हिसाब से ट्रेड ली होगी, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपे टोकन, जब मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि भाई इसको बाय अभी आप लोग मत करिए, आप लोग इसको शॉर्ट सेल कर दीजिए 2x की लेवरेज के साथ और मार्जिन रखिए बहुत ही कम। और मैंने अपनी भी ट्रेड आप लोगों को दिखाई थी और आगे की पूरी प्लानिंग शेयर की थी, लेकिन हमारी पहली ही ट्रेड कामयाब हो गई, जो मैंने वीडियो के लास्ट में भी बताया था कि हो सकता है हमारी पहली ट्रेड ही कामयाब हो जाए। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोग शॉर्ट सेल कर दीजिए पेपे टोकन को, उस टाइम पे पेपे टोकन का, जिसको कुछ लोग पीपी बोलते हैं, उसका प्राइस था 0.5 × 0.25, लेकिन आज पेपे टोकन का प्राइस है 0.5 × 0.15। जब मैं ऐसी वीडियो बहुत ही कम बनाता हूं, आप सभी लोगों को पता है मेरी ऐसी वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी श्योरिटी जब मेरे अंदर हो जाती है तभी मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है वीडियो के हिसाब से, ट्रेड लिया है, कमेंट करके जरूर बताएं कितनी लेवरेज ली, कितना मार्जिन रखा, कितना प्रॉफिट हुआ, अगर वो भी शेयर कर सकें तो जरूर बताइएगा। दूसरा, LTC कॉइन के बारे में भी बात की थी, 2-3 कॉल दे चुका हूं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कॉल नहीं देते हैं, सिर्फ LTC के बारे में ही 2-3 कॉल ऑलरेडी दे चुका हूं और जिन लोगों ने फॉलो किया है वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसी एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग और एक कॉइन आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूं, लेकिन ये जो प्लानिंग रहेगी ये रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। अब जब लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी और ये एक्सचेंज में ही करनी है और फ्यूचर्स में ट्रेड करनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब ये प्लानिंग रहेगी तो आपको एक ट्रस्टेड एक्सचेंज चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मैक्सी ग्लोबल में ये ट्रेड करिएगा, ये ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर जिनका अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैक्सी ग्लोबल में अपना अकाउंट बना लीजिए, यहां पे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होंगे। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मैक्सी ग्लोबल के बारे में बता देता हूं, जो मैं ट्रेड बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। सबसे पहले तो यहां पे आप लोग देखिएगा, लॉन्च पैड आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा होगा। यहां पे आपको हर घंटे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, फ्री में एयर ड्रॉप, आप अनलिमिटेड फ्री में एयर ड्रॉप अर्न कर सकते हैं और इसी मैक्सी ग्लोबल पे उनको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये DVT है, 2 दिन और 5 घंटे बचे हैं इसको लॉन्च होने में, 1000 MX के टोकन आपके पास होल्ड होने चाहिए। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट में बाय करते हैं, तो MX टोकन, ये इसका खुद का ही है मैक्सी ग्लोबल का, अगर आप लोग इसके होल्डर हैं, होल्ड रखते हैं, तो आप लोग हर महीने यहाँ से बहुत सारी एयर ड्रॉप ले सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से बहुत बार ले चुका हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल खुल के बात कर लेता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, अपनी ट्रेड वगैरह भी सब कुछ आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सेकंड के कुछ ही हिस्से में यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और तीसरा, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फ्यूचर्स में जब हम लोग ट्रेड करते हैं, जब वो कॉइन और टोकन अपने पीक पर होते हैं, उस टाइम पे मैक्सी ग्लोबल सबसे पहले उनको फ्यूचर्स में अपने ऐड कर लेता है और लोगों को मौका मिल जाता है कि वो शॉर्ट की पोजिशन, अगर उनको लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अभी नीचे आएगी, जो वो टोकन है, कोई सीट कॉइन है या जो भी है, 1000 गुना भाई ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, अब ये नीचे आएगा, तो शॉर्ट में सेल कर सकते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है मैक्सी ग्लोबल। सबसे पहले मैक्सी ग्लोबल पर आपको देखने को मिलेगा। पेपे जो टोकन था उसके बारे में भी मैक्सी ग्लोबल पे ही मैंने आप लोगों को बताया था और यहीं पे हमने अपनी ट्रेड ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ मजबूरी हो गई, मैंने $10 का मार्जिन रखा था और मैंने $15 जब प्लस अर्न कर लिए तो मैंने क्लोज के बटन पे क्लिक कर दिया। वो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आपकी पोजिशन अभी तक चल रही होगी, जो वीडियो के हिसाब से मैंने बात की थी आप लोग अभी तक कर रहे होंगे, बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे, फिर कहूँगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों, हमारे को क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे को क्या प्लानिंग करनी है। जिल आप लोग देख रहे होंगे 0.12% अभी डाउन है। अगर आप लोग फ्यूचर्स में आएंगे, यहाँ पे USDT M सेलेक्ट करेंगे मैक्सी ग्लोबल में और यहाँ पे आप लोग जिल सर्च करेंगे, ब्लॉकचेन बेस्ड ये कॉइन है, टोकन नहीं है, कॉइन है, इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट करिएगा सारी चीज़ें, जैसे पिछली वीडियो में बताई थी, सारी चीज़ें नोट करेंगे तभी बड़ा प्रॉफिट आप लोग ले पाएंगे। सिर्फ 2x की लेवरेज रखनी है, आप लोग 2x की लेवरेज यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद मार्जिन आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, भाई मुझे नहीं पता कि किसके पास रिस्क लेने के लिए कितना पैसा है,
तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फिर कहूँगा मैक्सिकल लो पे ही आप लोग इस ट्रेड को लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल जो है 51 USDT से 2x की लेवरेज के साथ, अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे अभी मार्केट प्राइस जो अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है, ये प्राइस अभी आप लोग देख रहे हैं, इस प्राइस पे ही आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं, कल देख रहे हैं या परसों देख रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप लोग मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इस प्राइस के आसपास है। अगर इससे नीचे थोड़ा बहुत और चला गया तो फिर तो मानिए कि एक बहुत ही अच्छा काम आपके लिए हो जाएगा। जितने ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां से होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिस्क वार्निंग, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। किसी भी प्रकार का डिसीजन आपके ऊपर है, अपना डिसीजन लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। चीज़ें यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा और ज़्यादा रिसर्च आप लोग खुद कर सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट करिएगा। वीडियो को आधार मानकर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोग प्लीज मत करिएगा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अब 2x की लेवरेज हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2x की लेवरेज ले ली है यहाँ पे और मार्केट सेलेक्ट कर लिया है, प्राइस हमने यहाँ पे नोट कर लिया है 0.02421, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ना तो टेक प्रॉफिट रखना है ना कोई स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि हमारे को ये लंबे टाइम तक करना है। अब सीधा हमारे को यहाँ पे लॉन्ग ओपन करनी है। अब ये पोजीशन हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब लिक्विडेशन जो प्राइस है 0.01220, चलिए अभी हम लोग इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। लिक्विडेशन प्राइस 0. आप लोगों ने देख लिया 012, इतना आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिल सर्च करते हैं, तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो ये प्राइस है अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 डे का कर देते हैं। चलिए 5 डे का हो गया, ये प्राइस आपको बहुत टाइम हो जाएगा, जो बियर मार्केट थी तब भी आपको ये प्राइस देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। ये इसका प्राइस का चार्ट आप लोग देख सकते हैं, यही है, खुद की रिसर्च करना और खुद की सारी चीज़ें देखना, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। लिक्विडेशन प्राइस की तरफ एक बार फिर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस है, तो आप लोग इसकी पूरी हिस्ट्री निकालिएगा कि ये इस प्राइस पे कब था, 0.012 इस प्राइस पे ये कब था। तो काफ़ी दिन बीत जाएंगे जब आपको ये प्राइस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि 2022 में, 2022 में जब मार्केट बहुत डाउन थी तब भी ये प्राइस आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। जब मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये प्राइस जो लिक्विडेशन प्राइस है ये मंजूर था कि इस प्राइस के आसपास तो ये बिल्कुल आ ही नहीं सकता है, 99% मैं श्योर हूँ। लेकिन भाई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ रिस्क आप लोग अपना मैनेज करके चलिएगा, वही इन्वेस्ट करिएगा जो आप लोग खोने के लिए तैयार हों। तो ये प्राइस आप लोग नोट करिए और जो हमारी पोजिशन हमने ओपन किया तो वो 0.02422 पे ओपन किया। अब आपको क्या करना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई भी यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं है, इसको चलने दीजिए, इसको आप लोग 2025 तक चलने दीजिए। मैक्सी ग्लोबल आप लोगों को सुजेस्ट करूँगा, सिर्फ इस जिल के बारे में ही आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बताया, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख रही है। और यहाँ पे एक ट्रेड और मैं आपको अपनी दिखाना चाहूँगा, ये कोर के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जो ये कोर का है, पूरी स्ट्रैटेजी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इस स्ट्रैटेजी के बारे में, और बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे बिटकॉइन मैं काफ़ी सारे होल्ड करता हूँ, काफ़ी सारे का मतलब ये नहीं है कि संख्या में बिटकॉइन है, एक 10-20 बिटकॉइन मैं होल्ड करता हूँ, बहुत बड़े अमाउंट से बिटकॉइन मैं होल्ड करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 3x की लेवरेज लेकर सिर्फ 10 USDT का मार्जिन रखा है और एक लॉन्ग ली हुई है, ये मैंने 2025 के लिए ही ली हुई है। लिक्विडेशन प्राइस मेरा 18,550 है, नहीं लगता कि 18,550 तक मार्केट जाएगी, अगर जाएगी ये लिक्विडेट हो जाएगा, तो मैंने ये खोने के लिए ही यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिटकॉइन का काफ़ी अमाउंट से होल्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, और आने वाले टाइम में उम्मीद यही है कि ये हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से देकर जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।